विधानसभा चौरी चौरा क्षेत्र में पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। चौरी चौरा विधायक संगीता यादव के नेतृत्व में भाजपाइयों ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2021 में कोरोना पूरी तरह से विदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा में इस समय अन्य विधानसभाओं की तुलना में अधिक कार्य हुआ है। चौरी चौरा विकास की ओर अग्रसर है और राज्य सरकार चौरी चौरा के विकास के लिए कटिबद्ध है। इस अवसर पर चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, राजकुमार गुप्ता, सुशील मौर्य, राज मौर्य, संदीप मौर्य, विनोद शर्मा, योगेंद्र जायसवाल सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि इनको अपना स्थान ग्रहण कर ले, घोड़ा लगाए, सभी लोग कुर्सियां खाली है, सभी साथी कुर्सियों पर तो मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ विधायक जी आपसे भी और आप सब लोगों से भी, बहुत सारे लोग सेल्फी खिंचाना चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ सेल्फी आप लोगों के साथ लेके खींच जाए, लेकिन समय का अभाव है। शाम को 6 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक, अति महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में है। संजय भाई आते हैं गंगा बाजार कार्यक्रम में शामिल होकर के अभी आपके नए निर्वाचित विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि जी के यहाँ भी 2 मिनट रुकना, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि रोड पे यहाँ पर ऐसा व्यवस्था है। आप सबके दर्शन हुए, आप सबको जो व्यवहारिक नया साल है 2021 इसकी शुभकामना देता हूँ और 2021 में कोरोना पूरी तरह से विदा हो जाए, लेकिन आप सब जब तक विदाई पूरी तरह से समारोह का संपन्न नहीं होता सावधानी रखें। आपको विश्वास दिलाते हैं चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र सहित विकास के लिए कोई कमी सरकार की ओर से नहीं रहने देंगे। आपके लोकप्रिय विधायक बहुत सक्रिय हैं, बहुत प्रयत्नशील रहती हैं और काफी मैं समझता हूँ पिछले विधायकों की तुलना में आपके कार्यकाल की तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि विकास भी हुआ है, सम्मान भी हुआ है और चौरी चौरा का पूरे प्रदेश में नाम भी हुआ। वैसे ये तो आप चौरी चौरा तो ऐतिहासिक नाम है। मैं आप सबको बहुत बधाई देते हुए और संगीता जी आपको ये कह रहा हूँ कि एक कार्यक्रम आप चौरी चौरा का अलग से रखिए, ये बीच में कट कर देना ये ठीक नहीं रहता और मुझे भी खराब लगता है सब कार्यकर्ताओं, मैं चूंकि उप मुख्यमंत्री जरूर हूँ लेकिन मैं अपने को कार्यकर्ता पहले मानता हूँ, उप मुख्यमंत्री बाद में मानता हूँ और इतने कार्यकर्ता तो आपको शिकायत हो ना हो मुझे अपने आप से शिकायत हो जाती है कि इतना कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं और वह सब मिलना चाहते हैं। ये ना जरा क्या चाहते हैं फोटो खिंचवाना, कोई कह रहा होगा मेरे यहाँ सड़क करवा दो, कोई कहेगा हमारे यहाँ थोड़ा काम करा दो, तो सरकार इसीलिए आपने बनाया है वो सब बनाया जाए। समय के अभाव को देखते हुए मुझे लगता है कि आप मुझे क्षमा करेंगे और आगे कार्यक्रम एक संगठन के साथ विधायक जी तय कर लेंगी, एक चौरी चौरा का अलग से बड़ा कार्यक्रम करेंगे। थोड़ा ये आज मौसम खराब है, वापस भी जाना है, आज हेलीकॉप्टर बिगड़ा तो जहाज से आए तो एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा, इसलिए आप सबको मैं सादर प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम।